हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन जो कंप्लीट सिलेबस है और पूरा हम पाइथन के जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। हम इसमें आपको पहले प्रैक्टिकल सेशन भी देंगे। ये इंट्रोडक्शन पहले हम करा देते हैं आपका, इसमें पूरा थ्योरी पार्ट है हमारा, उसके बाद हम आपको इसके सारे प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, हम आसानी से इसको सीख सकेंगे। बस आप जितनी बातें हम बता रहे हैं वो ध्यान से आप देखते जाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन होता क्या है, पाइथन कहाँ से आया, किसने डेवलप किया, कब किया, इसका नाम पाइथन कहाँ से पड़ा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पाइथन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय गुइडो वॉन रोज़ूम। ये गुइडो वॉन रोज़ूम इनके डेवलपर थे, इन्होंने फरवरी 1991 में इसको डेवलप किया था। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से, ये पहली चीज़ हमारी हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस्ड विथ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बनी है, पहली क्या ABC लैंग्वेज और दूसरी क्या मॉड्यूल 3। ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे हमारी। थर्ड हमारा क्या है, पाइथन इज ईजी टू लर्न एट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट एज पावरफुल एज मैनी अदर मिडिल लेवल, नॉट सो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, etc। पाइथन क्या है देखते हैं। पाइथन जो हमारी बहुत ही ईजी टू लर्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, आपको इसे कोई अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्टॉल करते वक्त किसी समय। और ये हमारे मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ये ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हम सी प्लस प्लस, जावा पढ़ते हैं, उससे ये थोड़ी सी कम है। और आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि इस समय पाइथन नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चल रहा है, आप सर्च करते हैं कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो आगे चलते हैं हम, नोट एक एक्सटर्नल चीज आपको बताना चाहते हैं कि पाइथन का नाम आखिर पाइथन पड़ा कहाँ। जब आप पाइथन का नाम सुनते होंगे तो सोचते होंगे ये कोई सांप है बहुत बड़ा सा, 27 फिट या फिर इंच का इतना बड़ा, मगर ऐसी बात कुछ नहीं है। गुइडो वॉन रोज़ूम जो इनके साइंटिस्ट थे, वो एक BBC कॉमेडी शो आता था, उसमें एक शो आता था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो वो उन्हें बहुत पसंद था, तो उनसे वो इंस्पायर होके उसका नाम पाइथन उन्होंने रखा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पाइथन नाम कहाँ से पड़ा। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन्स के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट क्या है, इजी टू यूज, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इट इज़ अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली, इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद अ सिंपल सिंटेक्स रूल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, वो दूसरे टर्म्स में कहा गया है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, यानी आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सिंटेक्स लर्न। आप अगर कोई सिंटेक्स लर्न नहीं करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये हम एक एक आपको रूल सिंटेक्स सब कुछ बताएंगे। दूसरी क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब कि हम देख सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा में अगर हमें स्वैपिंग ऑफ नंबर्स करना पड़ता है, अगर आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो सी प्लस प्लस में अगर हमें कोई भी दो नंबर को स्वैप करना हो तो हमें एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो होती है टेम्प, मगर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक लाइन में नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है सी प्लस प्लस में, मैंने यहाँ कंपैरिजन दिया है दोनों में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस में अगर आपको ऐड करना है दो नंबर को तो आपका ये कोड दो लाइन में जा रहा है, मगर यही पाइथन में करना है तो हमारा सिर्फ एक लाइन में कोड हमारा हो जा रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड और कंपाइलर हम आगे आपको बताएंगे, मगर यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे वर्क करता है, कंपाइल पे वर्क नहीं करता है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर जो होता है वो हमारा वन गो में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, आफ्टर दैट लास्ट में हमें क्या देता है, एरर प्रोवाइड करता है कि किस लाइन में आपका एरर है किस लाइन में नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है पाइथन में। सेकंड क्या है, कंप्लीटनेस है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें अनदर आपको मॉड्यूल कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पाइथन एक सेल्फ कंप्लीट लैंग्वेज है जिसमें आपको कोई भी अलग से लाइब्रेरी, कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये एक
क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी ये सब पे, ऐसी कोई चाहे वो विंडो हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, ये सब पे आप चला सकते हैं। और एक खास बात, आप इसे स्मार्टफोन में भी चला सकते हैं, अगर आपका फ़ोन अच्छे रैम और रोम का है तो आप इसे आसानी से अपने मोबाइल फोन्स में भी चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में आपको डाउनलोड से लेके सब कुछ बताएंगे, मगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड की है, ये ब्लॉग में आप देख सकते हैं, www.pythonorg.com में आप जाएंगे तो आपको फ्री एंड ओपन सोर्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को। हम इसे इंस्टॉल करना और प्रैक्टिकल सेशन में हम ये सब बताएंगे सब कुछ। नेक्स्ट हमारा है वेराइटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वेराइटी ऑफ यूजेस क्या है, ये सब हम देखते हैं। इट इज़ बिगन्स विथ यूज्ड इन मैनी डाइवर्स फील्ड एप्लीकेशन लाइक वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेस एप्लीकेशंस। यानी हमें अगर वेब डिज़ाइनिंग करनी है, वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं, गेम्स बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इफ़िशियंट चल रहा है इस समय, यह आप आसानी से बना सकते हैं।